Viewers, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट बबल आंसर शीट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 लाइक दिस वन। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट नेम एंड ब्लॉक लेटर्स, ये पोर्शन आप बना लें। राइट साइड पे बार कोड, फिर इसके नीचे रोल नंबर वाला पोर्शन सब्जेक्ट, और फिर इसके नीचे मोबाइल सेक्शन, और फिर ये मेन सेक्शन आप क्रिएट कर लें 180 MCQs वाला। और एट द बॉटम कैंडिडेट सिग्नेचर एंड इनविजिलेटर सिग्नेचर, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड। क्रिएट अ न्यू शीट बाय क्लिकिंग फाइल्स, और फिर इसके बाद न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, फिर इसके बाद लेआउट टेपर आप चले जाएं, और मार्जिन आप सेलेक्ट कर लें, दैट इज 0.5 इंचेस टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट। फिर इसके बाद व्यू टेप पर आप चले जाएं और ग्रिड लाइन को आप एनेबल करें। बारकोड के लिए एक रेक्टेंगल आप क्रिएट करें, इसको आप ड्रा करें राइट साइड पे। शेप फिल कलर, नो फिल कलर, शेप आउटलाइन विल बी मोर कलर, सेलेक्ट करें आप यहाँ से कलर। रेड कलर जो होना चाहिए वो 229, ग्रीन 09, और ब्लू जो होना चाहिए वो है 127। फिर इसके बाद ओके बटन आप प्रेस करें, तो ये इसका आउटलाइन कलर है। फिर इसके बाद इसको आप कॉपी करें, राइट क्लिक कॉपी, देन प्रेस कंट्रोल प्लस वी टू पेस्ट, और इसको आप राइट साइड पे आप ले आएं। ये पोर्शन स्टूडेंट नेम के लिए, स्टूडेंट यहाँ पर नेम टाइप करेगा और जो बबल होंगे वो फिल करेंगे। फिर इसके बाद हर एक रेक्टेंगल के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन आप ज़ीरो करें। गो टू प्रॉपर्टीज़ और लेफ्ट मार्जिन भी ज़ीरो कर लें, राइट टॉप बॉटम ये सारे आप ज़ीरो करें। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट रेक्टेंगल्स, गो टू प्रॉपर्टी, सेलेक्ट कर लें ये पोर्शंस, और फिर इसके बाद ऑल मार्जिन आप ज़ीरो करें। फिर इसके बाद इसको आप कॉपी करें इस रेक्टेंगल को, और पेस्ट कर लें बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस वी फ्रॉम कीबोर्ड, और फिर इसके बाद इसको आप एडजस्ट कर लें टू द लेफ्ट साइड, बॉटम की तरफ भी आप इसको एक्सटेंड कर लें। अगेन इसको आप कॉपी कर लें और पेस्ट कर लें सब्जेक्ट के लिए। ये ब्लॉक जो होगा इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट का जो कोड होगा वो हम फिल करेंगे, ठीक है। इस रेक्टेंगल में बार कोड आप टाइप कर लें बाय एडिंग टेक्स्ट, यहाँ पर फॉन्ट आप चेंज कर लें कोड 128, और फॉन्ट का जो साइज़ है वो भी आप चेंज कर लें 28। एंटर की आप प्रेस कर लें, और यहाँ से टेक्स्ट का जो कलर है वो आप ब्लैक रखें, ठीक है। और कोड को आप टाइप करें बाय प्रेसिंग एनी कोड, बाय प्रेसिंग एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड, तो बार कोड जनरेट होगा। सिमिलरली जो स्टूडेंट नेम है उसमें नंबर ऑफ कॉलम 20, टोटल नंबर ऑफ रोज 28 करें, ठीक है। ये आप सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पर ये टेबल क्रिएट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने ग्रिड लाइन को डिसेबल करना है, और इस टेबल को इस रेक्टेंगल के अंदर एडजस्ट करना है, ठीक है। टेबल में जो कंटेंट होंगे उसका साइज़ जो होगा वो 8 पॉइंट होगा, और इसके जो फॉन्ट्स होंगे वो हम चेंज करेंगे। इसके अलावा लेआउट टेप से या डिज़ाइन टेप से आप बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहें, और टॉप वन रो जो है इसको आप मर्ज कर लें, और यहाँ पर आप टाइप करें स्टूडेंट नेम, लेकिन सबसे पहले टेक्स्ट कलर ब्लैक होना चाहिए। स्टूडेंट नेम इन ब्लॉक लेटर, और इसको आप बोल्ड भी करें बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस बी फ्रॉम कीबोर्ड। इस रेंज को आप सेलेक्ट करें, और इसका जो फॉन्ट होगा वो ओ एम आर होगा,
और फॉन्ट साइज ये 8 पॉइंट होगा। फिर इसके बाद अगेन इस रेंज को आप सेलेक्ट करें, और टेक्स्ट का जो कलर है वो आप चेंज करें। देन प्रेस ए बी सी डी अप टू जेड और इसको आप कॉपी कर ले और रिमेनिंग सेल में इसको आप पेस्ट कर ले, ठीक है। फिर इसके बाद टेबल को आप सेलेक्ट कर ले, गो टू लेआउट टेप और टेबल का जो हाइट है वो आप चेंज करें और जो वेट है वो भी आप चेंज कर ले ताकि ये पूरा कम्प्लीटली एडजस्ट हो जाए इस रेक्टेंगल के अंदर। हाइट विल बी 0.17। एंटर की आप प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो कंटेंट है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर होना चाहिए। हाइट थोड़ा सा आप कम कर ले 0.15। एंटर की आप प्रेस करें तो इसके लिए हम रेक्टेंगल थोड़ा सा रिसाइज करेंगे नीचे की तरफ। इसको अगर हम ड्रैग करें तो ये टेबल कम्प्लीटली इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं अप टू जेड करेक्टर इसमें शो हो रहे हैं। अब आप ऐसा करें कि इस सारे कंटेंट को आप सेलेक्ट करें और फिर लेआउट टैब पर आप चले जाएं, सॉरी डिज़ाइन टैब पर, इसके बॉर्डर आप रिमूव करें, नो बॉर्डर सेलेक्ट कर लें, नो बॉर्डर, तो इसके बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे। और जिस रो में नेम जो करेक्टर हम टाइप करना चाहते हैं उसके बॉटम बॉर्डर आप सेलेक्ट करें ताकि ये कंप्लीट रो शो हो जाए, जिस तरह आप देख सकते हैं। सिमिलरली फॉर दिस वन रेक्टेंगल, इसमें टेक्स्ट ऐड करें, गो टू राइट क्लिक एंड इंसर्ट टेबल, नंबर आप कॉलम आप सेलेक्ट कर ले 7 और टोटल नंबर ऑफ रोज दैट इज 11 एंड प्रेस ओके। टेबल को आप सेलेक्ट करें, फिर इसके बाद गो टू होम टैब, सेलेक्ट फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट्स, अगेन टेबल को आप सेलेक्ट कर लें और बॉर्डर का स्टाइल आप चेंज करें। टॉप वन रो को आप सेलेक्ट करें और गो टू लेआउट टैब और यहां से सेलेक्ट कर लें मार्क सेल। होम टैब से फर्स्ट रो का टेक्स्ट कलर आप चेंज करें दैट इज़ ब्लैक और यहां पर आप लिख लें, टाइप करें रोल नंबर और इसको आप बोल्ड भी करें बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस बी फ्रॉम कीबोर्ड। इस रेंज को आप सेलेक्ट करें और इसका फॉन्ट आप चेंज करें और फॉन्ट साइज भी आप चेंज करें। गो टू फॉन्ट्स दैट इज़ OMR और फॉन्ट साइज होना चाहिए 08। एंटर की आप प्रेस करें, अगेन इस रेंज को आप सेलेक्ट करें और टेक्स्ट का जो कलर होना चाहिए वो है ब्लैक। फिर बाद में हम इसको हम चेंज करेंगे और टाइप करें ए सॉरी 0 1 2 3 अप टू 9 और फिर इसको आप कॉपी करें और पेस्ट करें रिमेनिंग कॉलम्स में। अगेन इस रेंज को आप सेलेक्ट करें, गो टू लेआउट टैब और रो का हाइट आप चेंज कर ले 0.15, यहाँ पर आप देख सकते हैं विजिबल, ठीक है। और इस रेक्टेंगल के साइज़ को आप थोड़ा सा चेंज कर ले ताकि 7 नंबर कॉलम में जो कंटेंट्स है वो विजिबल हो जाए। ग्रिड लाइन को आप डिसेबल करें तो आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं रिजल्ट। अगेन गो टू डिज़ाइन टेप्स एंड रिमूव द बॉर्डर और इस रो के लिए आप बॉटम बॉर्डर आप सेलेक्ट करें।
इस रेक्टेंगल के लिए आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, एड टेक्स्ट एंड देन गो टू इंसर्ट टेबल। टेबल इसके लिए आप इंसर्ट करें, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3, टोटल नंबर ऑफ रोज दैट इज 11, एंड देन प्रेस ओके। इसके लिए भी सेम टू सेम वही एडजस्टमेंट्स, बॉर्डर का कलर आप चेंज करें, इसके अलावा फॉन्ट का साइज दैट इज 08, टॉप वन रो को आप मार्च करें, और इसमें आप लिख लें सब्जेक्ट, गो टू होम टैब, चेंज द टेक्स्ट कलर दैट इज ब्लैक, और यहां पर आप लिख लें सब्जेक्ट, और इसको आप बोल्ड भी करें बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस बी फ्रॉम कीबोर्ड। रिमेनिंग कॉलम के फॉन्ट्स आप चेंज करें, दैट इज OMR, और फॉन्ट साइज होना चाहिए 08। फिर इसके बाद इसमें आप टाइप करें 0 1 2 3 4 5 अप टू 9, और इसको आप कॉपी करें और रिमेनिंग सेल में इसको आप फेस करें। रो के हाइट आप चेंज करें, दैट इज 0.15, और इसके बॉर्डर आप रिमूव कर ले, गो टू डिजाइन टेप सॉरी लेआउट, टेक्स्ट अलाइन करें आप सेंटर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। फिर इसके बाद आप सारे टेक्स्ट को आप अलाइन करें हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर, रिजल्ट आपके सामने। और रो नंबर वाले रेक्टेंगल को आप कॉपी करें बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी एंड देन कंट्रोल प्लस वी। बाय प्रेसिंग एरो की इसको आप नीचे ले आए, देन एडजस्ट इट अबव, और राइट साइड की तरफ इसको आप एक्सटेंड कर ले, और राइट साइड पे मोर देन 2 और 3 कॉलम्स आप क्रिएट करें बाय प्रेसिंग राइट क्लिक्स, गो टू इंसर्ट टैब एंड देन इंसर्ट कॉलम टू द राइट साइड। सिमिलरली द नेक्स्ट वन, इसमें हम टोटल नंबर ऑफ कॉलम शामिल करेंगे 10। फिर इसके बाद इन तीनों कॉलम्स को आप कॉपी कर लें और रिमेनिंग 3 कॉलम्स में इसको आप पेस्ट करें बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस वी। फिर इसके बाद अफर 2 रेक्टेंगल जो है इसको आप ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लें ताकि इसके लेफ्ट और राइट लेवल बराबर हो, जिस तरह आप देख रहे हैं, और इस हेडिंग को अगेन इस कॉलम को आप सेलेक्ट कर लें और उसको आप मार्सल कर लें, और यहाँ पर आप टाइप कर लें मोबाइल नंबर, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि जो मेन एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन है जहाँ पर हम ऑल द बबल्स वो हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम होंगे 5 और टोटल नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो है 30, ठीक है। इस रेक्टेंगल को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें नीचे की तरफ, फिर इसके बाद इस पर आप राइट क्लिक करें और इसका प्रॉपर्टीज़ आप चेंज कर लें, लेफ्ट राइट मार्जिन और टॉप बॉटम मार्जिन आप 0 करें, और इसमें आप टेबल इंसर्ट करें बाय प्रेसिंग राइट क्लिक, गो टू टेबल एंड देन इंसर्ट टेबल। टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 5 है, टोटल नंबर ऑफ रोज दैट इज 30, एंड देन प्रेस ओके।
टेबल्स को आप सेलेक्ट करें, फॉन्ट साइज़ जो होना चाहिए वो 08 होना चाहिए, और इसके अलावा इसको आप अलाइन इसकी आप सेंटर करें, टेबल को आप सेलेक्ट करें, गो टू डिज़ाइन टेप और बॉर्डर का जो स्टाइल है वो कलर आप चेंज कर लें। अगेन टेबल को आप सेलेक्ट कर ले, गो टू लेआउट टैब और कंटेंट्स को आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर करें, और फिर इसके बाद रिमेनिंग्स कॉलम्स एंड रोज को आप सेलेक्ट करें, इसके फॉन्ट साइज 08 और फॉन्ट जो होना चाहिए वो है OMR, क्योंकि यहाँ पर हम टाइप करेंगे ABCD ऑप्शंस। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5 ये डिजिट्स हम टाइप करेंगे। टेबल को आप एडजस्ट कर लें इनसाइड द रेक्टेंगल शेप, और यहाँ पर गो टू व्यू टेप्स और ग्रिड लाइन को आप डिसेबल कर लें ताकि ये वाजे नज़र आ जाए। 1 2 3 4 5 यहाँ पर होना चाहिए। गलती से हमने इस कॉलम के लिए भी OMR फॉन्ट सेलेक्ट किया है, तो इसके लिए हम फॉन्ट चेंज करेंगे कैलिब्री बॉडी, और इसके अलावा 1 2 3 4 5 के सामने ऑप्शन हम क्रिएट करेंगे ABCD। रिमेनिंग ABC को आप कॉपी कर लें, उसको पेस्ट कर लें नीचे की तरफ। सिमिलरली सबसे पहले 30 MCQs आप टाइप कर लें, डिजिट्स आप टाइप कर लें, और इस तरह इस 5 कॉलम को आप कॉपी कर लें नीचे की तरफ, इसको आप पेस्ट करें ईजिली। अगेन टेबल को आप सेलेक्ट कर ले, इसके रो हाइट और कॉलम विड्थ आप चेंज कर ले, और इस टेबल को आप कॉपी करें और पेस्ट कर ले टू द राइट साइड, और इसको आप एडजस्ट कर ले। ग्रेड लाइन हम इसी वजह से विजिबल करते हैं ताकि जितने भी टेबल्स हैं वो सही तरीके से अपनी सही प्लेस पर एडजस्ट हो सके। ठीक है, यहाँ पर आप दे सकते हैं कि इसको बाय एरो की मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ईजीली एडजस्ट हो रहा है। 3 टेबल्स टू द लेफ्ट एंड 3 टेबल्स टू द राइट साइड, दरमियान में हमने थोड़ा सा फासला ज़्यादा रखा है। इसके अलावा इसके नंबर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रिड लाइन को आप डिसेबल कर लें, और फिर इसके बाद इस डेटा को आप सेलेक्ट कर लें इनसाइड द टेबल, सेलेक्ट द होल टेबल, और फिर इसके बाद गो टू डिज़ाइन टैब और बॉर्डर इसके आप रिमूव कर लें। इसी तरीके से आप फॉर द नेक्स्ट वन आप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टॉप वन स्टूडेंट नेम एंड ब्लॉक लेटर के लिए हाईलाइट कलर आप चेंज कर ले, हेडिंग के लिए, मोबाइल नंबर के लिए भी, रोल नंबर के लिए भी, सब्जेक्ट के लिए भी। ऑल बॉर्डर आपने रिमूव किए, और फिर इसके बाद टेबल ऑप्शन में सेल अलाइनमेंट आप चेंज कर ले 0.06 एंड 0.0 सॉरी ऑल द लेफ्ट एंड राइट विल बी 0.06। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन गो टू सेल अलाइनमेंट एंड देन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन विल बी 0.06। इसी तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इनसाइड द टेबल, और फिर टेबल में जो नंबर्स है वो आप चेंज कर ले। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेबल में 1 to 30 एंड इन द नेक्स्ट टेबल 31 to 60, एंड सिमिलरली इन द नेक्स्ट वन 61 to 90 एंड अप टू सो ऑन 180 तक नंबर्स हमने टाइप किए। फिर इसके बाद आप बॉर्डर क्रिएट कर ले इन टेबल्स की, थोड़ा सा स्टाइल बना ले, 5 5 बबल्स आप सेपरेट कर ले। सबसे पहले डिजिट्स को आप सेपरेट कर ले ताकि ये वाजी नज़र आ जाए, ताकि स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज भी ना हो। ठीक है, और 5 5 बबल्स को आप सेपरेट कर लें बाय डिफरेंट बॉर्डर।
रोज़ के लिए आप अलग बॉर्डर स्टाइल रखें और कॉलम के लिए अलग स्टाइल, ठीक है। और फिर इसको आप सही तरीके से एडजस्ट कर ले ताकि ये इसके अंदर आ सके, ठीक है। फिर इसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर्स और इन्विजिलेटर सिग्नेचर के लिए एक अलग पोर्शन आप क्रिएट करें बाय सेम प्रोसीजर। रेक्टेंगल आप क्रिएट कर ले, इसके दरम्यान लाइन आप ड्रा करें और इसको लेफ्ट राइट साइड पे एडजस्ट कर ले, और इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट कर ले। टेक्स्ट बॉक्स में से कैंडिडेट सिग्नेचर और राइट साइड के इस रेक्टेंगल के राइट साइड पे सिग्नेचर होगा, लेफ्ट साइड पे ये टेक्स्ट आ जाएगा। इसका फॉन्ट साइज़ आप चेंज कर ले, 10 और 11 और 9 आप टाइप करें, ठीक है, ताकि ये इजीली एडजस्टेबल हो। और सिमिलरली ये इन्विजिलेटर सिग्नेचर होना चाहिए टू द राइट साइड, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बबल आंसर शीट क्रिएट कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड 2019। थैंक्स फॉर वॉचिंग।